साई क्रेकर्स और लक्ष्मी क्रेकर्स की तरफ से समस्त जनपदवासियों व प्रदेशवासियों को दीपावली गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी क्रेकर्स, पता कोटला रोड, मोहल्ला दखल, नाली की पुलिया, दयाल मार्केट, फिरोजाबाद। साई क्रेकर्स, पता यादव मार्केट, हिमायूपुर चौराहा, सुहाग नगर, फिरोजाबाद। पटाखे ही पटाखे, पता रहना की पुलिया से आगे, RRS रिसोर्ट के पास, फिरोजाबाद। प्रोप्राइटर सोनू शर्मा, राहुल शर्मा, बॉबी शर्मा, विशाल पचौरी। गुरुकृपा क्रेकर्स की तरफ से समस्त जनपदवासियों व प्रदेशवासियों को दीपावली गोवर्धन पूजा एवं भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोप्राइटर अम्बेश शर्मा, पूर्व सभासद, महानगर अध्यक्ष, फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल। प्रोप्राइटर किशन शर्मा, पता शनि देव मंदिर के पास, पियड़ी जैन इंटर कॉलेज गेट के सामने, रामलीला चौराहा, कोटला रोड, फिरोजाबाद। राजीव क्रेकर्स व राजीव फायर वर्क्स की तरफ से समस्त जनपदवासियों व प्रदेशवासियों को दीपावली गोवर्धन पूजा एवं भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोप्राइटर राजीव शर्मा, महानगर अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद। पता CB गेस्ट हाउस मार्केट, गोपाल आश्रम के सामने, बाईपास रोड, फिरोजाबाद। पार्षद अशोक राठौर, पत्नी संगीता देवी राठौर की तरफ से समस्त जनपदवासियों व प्रदेशवासियों को दीपावली गोवर्धन पूजा एवं भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अशोक राठौर, पार्षद बसपा, वार्ड नंबर 28, हिमायूपुर नगर निगम, फिरोजाबाद। संगीता देवी राठौर, पत्नी पूर्व पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 28, हिमायूपुर। पार्षद विनाका देवी राठौर, पति गेंदालाल राठौर की तरफ से समस्त जनपदवासियों व प्रदेशवासियों को दीपावली गोवर्धन पूजा एवं भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं। विनाका देवी राठौर, पार्षद गेंदालाल राठौर, पार्षद पति, वार्ड नंबर 29, टापा खुर्द नगर निगम, फिरोजाबाद। जादौन स्टूडियो की तरफ से समस्त जनपदवासियों व प्रदेशवासियों को दीपावली गोवर्धन पूजा एवं भाईदूज की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोप्राइटर शुभम जादौन, पता फरेहा रोड, नारकी, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जिले में शिकोहाबाद के एटा चौराहे पर बने हुए ओवर ब्रिज में करीब 4-5 फुट एरिया का प्लास्टर पूरी तरह से उखड़कर नीचे गिर गया तथा सरिया नजर आने लगी। जानकारी होते ही हड़कंप मच गया। इधर NHAI द्वारा बनाई गई इस ओवर ब्रिज में टूटी हुए हिस्से को बड़े बड़े पत्थर लगाकर केवल छोटे वाहनों को गुजारा जा रहा है। वही बड़े वाहनों को रोक दिया गया है जिससे कि कोई बड़ा हादसा ना हो। वही लोगों का कहना है कि इस ओवर ब्रिज के बनाए गए सड़क रोड में भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है, क्योंकि करीब एक साल से पहले ही यहां की सड़क उखड़ने के साथ साथ पुल का प्लास्टर भी नीचे गिरने लगा है। फिरोजाबाद से देखिए हमारे संवाददाता राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। करना पड़ेगा कि ऊपर से पानी गया है कि क्या है, किसकी वजह से हुआ है। रोड और गाड़ियां भी यहां पे बहुत चलती हैं। कितना समय हुआ है इस निर्माण को, कितना समय हुआ है इस पुल निर्माण को? नहीं आइडिया नहीं, हम तो अभी जस्ट आए हैं, आइडिया नहीं। क्या कोई गुणवत्ता में कमी रही है, क्या वजह है? गुणवत्ता में कमी नहीं बोल सकते हैं इसमें, अभी एक्चुअल इसका चेक करने के बारे में बता पाएंगे। NHAI के एक्सपर्ट आने वाले हैं। आप क्या साइड के हैं? साइड के इंजीनियर, ब्रिज के स्पेशल नहीं। आप इंजीनियर हो तो आप बता, हाईवे वाले ये तो पता चल सकता है क्यों टूटा ये, कि इसकी गुणवत्ता इतनी ख़राब थी कि अभी साल भर भी नहीं हुआ ये, और ये धस गया इतना बड़ा, ये बड़ा हादसा हो गया। नीचे अगर कोई होता तो मर भी सकता था, इतना जो टूट के गिरा है नीचे गिर के। गुणवत्ता का इसको चालू हुए लगभग एक साल हो गया। मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूँगा इसकी जाँच कराई जाए, क्योंकि आप देखो सामग्री गिर रही है, अगर कोई आदमी नीचे होता तो मर जाता। किस तरीके से ये लग रहा है टूटा है, क्या कारण हो सकते हैं? पता नहीं किस वजह से टूटा है, आप इतनी जल्दी नहीं टूटना चाहिए, एक साल में कोई चीज़ कैसे टूट जाएगी? या तो इसमें जो लेंटर डला है, सामग्री डली है, वो घटिया किस्म की है। अगर कोई एक आदमी इसके नीचे खड़ा होता है या सो रहा होता तो मर जाता वो। तो DM महोदय, एक जो महोदय से मेरा निवेदन है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है, किसी की जाँच कराई जाए।